Hey guys, welcome and welcome back to my channel guys. आज के vlog में हम लोग ये discuss करेंगे कि if you are planning to come to Canada as an international student and that too after class 12, अगर आप 12वीं के बाद Canada enter होने का plan कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि मुझे अपने further studies undergrad यहीं पे करना है, then is it a right choice for your career? Is it a right choice for yourself and your family? ये सारे कुछ discuss करेंगे guys. मैं कुछ factors बताऊंगा, कुछ point of view, कुछ perspectives बताऊंगा guys, because मैं after 12th आया था Canada में and I know the harsh reality, the ground reality of Canada in 2022 guys. You'll get a clear comparison between a person who is coming to Canada after 12th and a person who has come to Canada after graduation for let's say masters या फिर PGDM करने आ रहा है after gaining some experience in India. तो ये दोनों person में क्या difference रह जाता है, किसके लिए beneficial है, किसके लिए नहीं है, किसको PR जल्दी मिलेगा, क्या क्या financial aspects होते हैं, सारा कुछ इस vlog में clear हो जाएगा guys. This is a very detailed informative video, very crucial topic guys. तो video को अंत तक देखना ज्यादा शुद्ध हिंदी निकल रहा है. End तक देखना guys, and if you're new to my channel, make sure to subscribe and like this video guys, because that's my only motivation. And without any further bullshit, let's get into this video. So the first point I'll be putting forward is the financial aspects of coming to Canada as an international student just after 12th guys. ठीक है, दोनों का comparison बताऊंगा 12th के बाद and graduation के बाद. अगर आप 12th के बाद आते हो, I'll recommend, मैं भी कर रहा हूँ, always go for a degree rather than a diploma guys, because degree का value भी ज़्यादा है, job scopes भी ज़्यादा है, and if you are planning to do further studies after degree, then that degree will help rather than having a diploma. अगर diploma करते हो it's good, but education का जो मतलब डिप्लोमा के बाद आपको फिर डिग्री करना होगा राइट, तो देन व्हाई नॉट पुट योर एफर्ट्स इन द इनिशियल स्टेज. 12th के बाद आपका वो हैबिट भी रहता है पढ़ाई करने का, तो डिग्री खत्म कर लो, रैप अप कर लो, फिर आगे का नौकरी का लाइफ चालू करोगे. आई डोंट बिलीव कि पहले डिप्लोमा करूंगा फिर थोड़ा सा नौकरी करूंगा फिर डिग्री करूंगा. आई नो फाइनेंसिस मैटर, बट इट्स माई रिकमेंडेशन कि इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा आफ्टर 12th, गो फॉर अ डिग्री गाइस. 4 साल का डिग्री होता है यहाँ पे. तो अगर आप डिग्री करते हो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज डिग्री में खर्चा ज्यादा है रादर देन अ डिप्लोमा. एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कनाडा आते हो, ऑब्वियसली आपका खर्चा कम होगा, बिकॉज आप पीजीडीएम करने आओगे या मास्टर्स करने आओगे, विच इज अ 2 ईयर प्रोग्राम और 1 ईयर प्रोग्राम. ठीक है, तो वहां पे खर्चा कम है, यहाँ पे खर्चा ज्यादा है. तो पीजीडीएम का बात अभी नहीं करते, डिग्री वालों का बात करते हैं. इन अ डिग्री विल बी मिनिमम आपको 1 साल का गाइज, मेरा जो फीस है आई एम पेइंग अराउंड 10 to 12 lakhs पर ईयर गाइस. तो मेरा 4 साल का कितना हो गया, 48 lakhs, या फिर 40 to 48 lakhs का रेंज में मेरा फीस है गाइस. तो ये हर किसी का यही फीस होता है. That too, I'm not studying in a top-notch university, guys. मैं McGill में नहीं पढ़ रहा, Queen's में नहीं पढ़ रहा, University of Toronto में भी नहीं पढ़ रहा. आई एम स्टडिंग इन Algoma University, which is good, but not in the top 10, right? So वहाँ पे फीस और ज़्यादा है, crores में जाता है. बट अगर आप नॉर्मल मेरे जैसे एक जेनरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, डिग्री करते हो, देन आपका जो फीस है 40 to 45 lakhs to 48 lakhs 50 lakhs तक भी जा सकता है. एंड इसमें GIC इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यू डूइंग अ डिप्लोमा. 2 ईयर डिप्लोमा में आपका फीस अराउंड 16 to 20 to 25 lakhs में रैपअप हो जाता है डिप्लोमा का. एंड अगर आप PGDM करने आते हो, मास्टर्स करने आते हो, इट्स द सेम इन दैट केस एज वेल. बट डिग्री के लिए बहुत ज्यादा है. सो कंसिडर योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इफ यू प्लान टू कम टू Canada after 12th. आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, आपके पास enough funds होने चाहिए पूरा पहला साल का फीस पे करने का, बिकॉज विदाउट दैट अगर आप 2 semester का फीस नहीं पे करते इंडिया से, देन आपको वीजा भी नहीं मिलेगा. एंड यू हैव टू ऑल्सो डिपोजिट 6 lakhs GIC. ठीक है, उसके बिना भी वीजा नहीं मिलता है. तो आपके पास ये फंड्स होने चाहिए, कुछ बैकअप फंड्स, इमरजेंसी फंड भी होने चाहिए इनकेस इफ यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब हियर लेट. ठीक है, अगर आप विंटर में आते हो, 3-4 महीना लग जाता है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, देन यू शुड बी हैविंग दैट फाइनेंशियल बैकअप. तो सारा कुछ फाइनेंशियल फाउंडेशन बना के फिर प्लान करना कनाडा आने का, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा आफ्टर 12th. नहीं तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले लो, कम आफ्टर ग्रेजुएशन आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा वहां पर. गाइज यहाँ पे मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द प्रैक्टिकल रियलिटी. ठीक है, सो यहाँ पे गाइज 2 सोल्यूशन भी है फाइनेंसिस को टैकल करने का. आई हैव मेड वीडियोज ऑन स्कॉलरशिप्स एज वेल एज एजुकेशन लोन्स. मैंने दामिनी महाजन जो वी मेक स्कॉलर्स के CEO है, उनसे भी कोलैब करके रखा है अबाउट एजुकेशन लोन्स. आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, तो वीडियोस के जो थंबनेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. सो मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वॉच दोज वीडियोस टू गेट अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट एजुकेशन लोन्स एंड स्कॉलरशिप्स. उससे आपका फाइनेंसिस टैकल हो जाएगा एंड यू बी एक्चुअली बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th. गाइज यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक आ जाता है दैट इज अबाउट योर कोर्स. इज इट अ स्किल बेस्ड कोर्स और अ जेनरिक कोर्स? अगर आपका कोर्स स्किल्ड बेस्ड है, देन देयर इज बेनिफिट इन कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th गाइज, बिकॉज आप एक स्किल सीखोगे एंड द फैक्ट दैट यू आर यंग. अगर आप 12th के बाद आते हो, आपका एज ग्रुप क्या होगा, 18, 19, 20, 21, इन 4 साल में आप आ रहे हो कनाडा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. इन सम केसेस हाँ ब्रेक्स वगैरह हो जाता है बीच में, तो एक्सेप्शंस कंसीडर नहीं करते, जनरिक जनरल पीपल के बारे में कंसीडर करते हैं गाइस. तो आपका एज ग्रुप 18 टू 20 के बीच में ही होगा एंड द फैक्ट दैट यू आर यंग,
आपका लर्निंग कैपेसिटी भी रहेगा. अगर आप कम एज में, कम उम्र में एक अच्छा स्किल सीख लेते हो, देन आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो अच्छा होगा गाइस. तो आई विल रिकमेंड, अगर आपका कोर्स ऐसा है कि आप डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो या फिर सेल्स सीख रहे हो, फाइनेंस सीख रहे हो, अकाउंटिंग सीख रहे हो, कुछ ऐसा स्किल है जो इन डिमांड है मार्केट में, अच्छे से रिसर्च करो कि इन डिमांड स्किल्स क्या है प्रेजेंटली एंड इन डिमांड स्किल्स क्या होने वाले इन द नेक्स्ट 5 years, इन द नेक्स्ट 10 years, फ्यूचर में कौन से स्किल्स चाहिए. बेस्ड ऑन दैट रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ठीक है, लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखो, ठीक है. आईटी का कोई फील्ड है, आईटी, बिकॉज आईटी इज एन एवरग्रीन कोर्स गाइस. ये फिर हैकिंग का कोर्स आ गया, ये सारे कोर्स स्किल बेस्ड कोर्स है गाइस. अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, if you are planning to come to Canada after 12, then it's a green signal guys, aap aao. But agar aapka generic course hai, marketing ho gaya, koi normal sa course ho gaya jiska in demand koi value nahi hai present market mein, future mein maybe wo course obsolete ho jaye, then fayda nahi hai guys. usse better hai aap India mein apna kharcha kam karke koi like degree ya fir diploma complete karke fir Canada aao, aapka cost cutting bhi hoga, and ab jab tab aaoge after graduation aaoge PGDM karne ya fir masters karne, then aapko skill seekhoge and aapka benefit bhi hoga in different perspectives. Like आपका पॉइंट्स भी ज्यादा होगा, आप पीआर भी आपको जल्दी मिलेगा. उसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स वगैरह का क्या सीन है. अभी के लिए मोटा मोटा ये सीन है गाइस. इफ यू हैविंग अ स्किल बेस्ड कोर्स, अगर आप एनरोल करते हो ऐसे कोर्स में जिसका वैल्यू अभी है या फिर फ्यूचर में बढ़ने वाला है उसका वैल्यू, देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल, एल्स इट्स अ बिग 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 नो. ऑलराइट गाइस, दिस थर्ड पॉइंट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज ये पीआर एंड सिटीजनशिप के बारे में है गाइस. सो मोटा मोटा जो भी ये लोग आते हैं, आप बचपन में आओ कैनेडा, 12th के बाद आओ, वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ या फिर बुढ़ा होके आओ, आपका गोल यही है कि आपको पीआर लेना है या फिर सिटीजनशिप बनना है, सिटीजन बनना है कनाडा का गाइस. तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस. यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बट मोटा मोटा एक्सप्रेस एंट्री इज अ कैटेगरी एंड गाइस पीएनपी इज अनदर कैटेगरी. अगर आप 12th के बाद आते हो, देन आपका एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स फुलफिल होने का चांसेस बहुत ज्यादा स्लिम है गाइस, नहीं होते मोस्टली. एंड अगर आप ओंटारियो में पढ़ाई करने आते हो, जैसे कि मैं ओंटारियो में हूँ, 12th के बाद आया हूँ, सो माई चांसेस ऑफ गेटिंग points to fulfill that cut off of express entry is very very slim guys. मुझे move होना होगा, and move होने का main motto क्या है कि मैं PNP लगा सकता हूँ. So यहाँ पे अगर 12th के बाद आते हो, आपका points fulfill नहीं होगा. कुछ कुछ cases में होता है, we are not talking about exceptions. जैसे कि अगर आप chef हो India से, आप यहाँ पे आके directly chef का नौकरी करते हो, then आप शेफ इज अ नॉक बी जॉब गाइस, देन आपका ब्रैम्पटन में या फिर ओंटारियो में रह के पीआर हो जाएगा. यू हैव टू वर्क लाइक फॉर 10 to 12 months, एक साल आप शेफ का नौकरी करो और आपका पॉइंट्स फुलफिल हो जाएगा, अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री आपका ड्रॉ आ जाएगा, इन्विटेशन आ जाएगा, विल बी हैविंग अ पीआर. ठीक है, शेफ इज अ स्किल गाइस, सबको आती नहीं है. सो मैं इन जनरल पीपल का, इन जनरल स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, उन लोगों को मूव करना होगा टू अवेल पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम गाइस. पीएनपी में आपका पीआर हो जाता है फॉर श्योर, आपको पॉइंट्स भी इजीली मिल जाते हैं, एंड ये 12th के बाद जो आते हैं उनके लिए ही है. तो पीएनपी गाइस ओंटारियो छोड़ना पड़ेगा टू अवेल पीएनपी. आपको ऐसे प्रोविंसेस में जाना होगा जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ओंटारियो हो गया, ये दोनों में पीएनपी अवेलेबल नहीं है. यू हैव टू गो टू प्रोविंसेस लाइक सस्कैचुआन, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा, कैलगरी, मैनिटोबा, विनिपेग, ऐसे प्रोविंसेस में जाओ, पीएनपी अवेल करो, अल गेट द पीआर गाइस. या फिर उससे भी अच्छा रिकमेंडेशन जो मैं आपको देता हूँ, इफ यू आर नॉट हैविंग ये माइंडसेट कि मुझे बहुत अच्छे जगह पे रहना है, बहुत अच्छे जगह पे पढ़ाई करनी है, एकदम डाउनटाउन लाइफ जीना है, इन द स्टूडेंट लाइफ बाद में जी लेना, इन द स्टूडेंट लाइफ अगर आप कभी, बिकॉज मेरा माइंडसेट थोड़ा है कि मुझे ना ऐसे पॉश इलाके में रहना पसंद है, क्राउड में रहना पसंद है, आई लाइक बीइंग इन द क्राउड, हल्ला वल्ला वाला शोर शराबे वाला इलाका मुझे पसंद होता है. सो आई प्रेफर ब्रैम्पटन, इंडिया वाला कल्चर है, क्राउड भी है, टोरंटो भी पास में है. बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है, देन यू कैन गो टू अ पीसफुल प्लेस लाइक अल्बर्टा और कैलगरी, जहाँ पे ऑलरेडी पीएनपी आप अवेल कर सकते हो, आपको मूव होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज शिफ्टिंग इज अ वेरी बिग डिसीजन गाइस. आप सेटल्ड हो जाओगे कनाडा में, पहले तो इंडिया से आ रहा हो सेटल होने के लिए, सेटल हो जाओगे, जॉब लग जाएगी, फिर आपको मूव होना होगा इन ऑर्डर टू गेट द पीआर. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे पीएनपी आप डायरेक्टली लगा सकते हो विदाउट मूविंग. सो इट विल बी गुड एंड इजी फॉर यू, एंड इट्स अ राइट डिसीजन एंड वाइज डिसीजन, वाइसर डिसीजन दैन कमिंग टू अ प्लेस जहाँ से आपको मूव होना होगा. बट अप टू द पर्सन, अगर आपका माइंडसेट मेरे जैसा नहीं है देन गो टू दैट. अगर आपका माइंडसेट मेरे जैसे है कि शोर शराबा वाले इलाके में रहना, थोड़ा फन करना स्टूडेंट लाइफ में, देन आओ ब्रैम्पटन, फिर मूव हो जाना, लगा लेना पीआर पीएनपी में. और एक चीज़ गाइस जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो, पीजीडीएम करने आते हो या फिर मास्टर्स करने आते हो, देन यू विल बी हैविंग अ मेजर बेनिफिट ओवर दो स्टूडेंट्स यू आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th, एंड दैट बेनिफिट इज अबाउट पॉइंट्स. आपके पॉइंट्स फुलफिल हो जाएंगे एंड यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री गाइस, बिकॉज जो 12th के बाद आते हैं उनके पॉइंट्स अराउंड 410 to 425 के रेंज में रह जाते हैं, एंड द कट ऑफ फॉर एक्सप्रेस एंट्री इज अराउंड 470, 480, 500, 510, 520 तक भी जाता है, बट डिपेंड्स, इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट. तो रिसेंटली मैंने 510 देखा था,
जो भी है तो एक्सप्रेस एंट्री इज नॉट अ रिलायबल सोर्स टू अप्लाई फॉर योर पीआर इफ यू आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12, बट पीजीडीएम वाले मास्टर्स वाले कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं इन मोस्ट केसेस. फिर भी किसी किसी लोग का नहीं होता, बिकॉज फॉर एग्जांपल किसी बंदे का 475 स्कोर पीजीडीएम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, एंड उस साल का जो एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ है वो 510 हो गया या फिर 500 हो गया, देन यू ही कांट अप्लाई, राइट? सो ये रिलायबिलिटी इशू आ जाता है. तो इन पीएनपी इट्स फॉर श्योर कि आपका पीआर लग ही जाएगा. टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट पीआर विल कम फॉर श्योर. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड, कभी भी आते हो कनाडा एक्सपीरियंस लेके आते हो, पीजीडीएम करने आते हो, मास्टर्स करने आते हो, ट्वेल्थ के बाद आते हो, गो फॉर पीएनपी गाइस, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री इज नॉट दैट मच रिलायबल, बट इट्स अप टू यू. यू कैन टेक दैट रिस्क एंड गेट योर पीआर, बिकॉज लोगों को मिलता भी है. It's up to you guys. Alright, coming to a second last point of this video guys, that is about work experience and it really matters here in Canada. अगर आप 12th के बाद आते हो, आप student हो, आप just पढ़ाई करने के बाद अपना undergrad करने के लिए apply करो Canada में, हाई चांसेस आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, एज इन आप इंडिया में कोई जॉब्स नहीं किए होंगे, कोई पार्ट टाइम फुल टाइम कोई भी तरह के जॉब्स नहीं किए होंगे. हाँ, ऑनलाइन वगैरह थोड़ा मोटा इनकम के लिए, पॉकेट मनी के लिए कुछ करते होंगे, बट ऐसे एज इन सीवी में डालने के लिए कोई प्रॉपर जॉब आपने नहीं किया होगा. सो यहाँ पे डायरेक्टली आके गेटिंग इनटू अ पार्ट टाइम जॉब, गेटिंग इनटू वेयर हाउस जॉब्स, गेटिंग इनटू फुल टाइम जॉब्स आपके ब्रेक के टाइम पे, इट गेट्स सुपर सुपर डिफिकल्ट एंड टायरिंग गाइस. ठीक है, यहाँ पे वो जो शॉक लगता है ना बॉडी को, आप कभी भी लाइफ में काम नहीं किया, डायरेक्टली 12th के बाद आपको यहाँ पे आके अपना काम मैनेज करना, कुकिंग मैनेज करना, अपने हॉबीज को मैनेज करना, अपना पढ़ाई को मैनेज करना, असाइनमेंट्स करना, घूमना फिरना, इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है गाइस, फ्रेंड्स को टाइम देना, फैमिली को कॉल करना हर दिन. सो इट गेट्स वेरी मच मेसी इन द इनिशियल डेज गाइस, सो बिकॉज आपका आदत नहीं है. बट अ पर्सन हु हैज बीन इनटू हॉस्टल्स फॉर लाइक 2-3 इयर्स, आप कॉलेज लाइफ पूरा बताया है, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग किया है, कुकिंग भी खुद से किया है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वो दिल्ली से है बट वो अपना पूरा कॉलेज लाइफ चेन्नई में या फिर किसी अदर स्टेट में वो रहा है, तो उसका ना वो बॉडी वो शॉक अब्सॉर्ब कर लिया ऑलरेडी. सो उसको यहाँ पे आके बहुत ज्यादा इजीली वो कोप अप कर सकते हैं, उसको होम सिकनेस भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स द सेम थिंग, जस्ट वो किसी स्टेट पे नहीं है, दूसरे कंट्री पे है. तो अब्सॉर्बिंग दैट थिंग फॉर दैट पर्सन जो ऑलरेडी बाहर रह चुका है इंडिया में, उसके लिए बहुत ईजी होगा रदर दैन स्टूडेंट टू इज कमिंग टू कैनेडा आफ्टर 12th. सो ये मैटर करता है बिकॉज आपका वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, आपको वो धक्का लगता है कि पहले आप काम करते हो यहाँ पे आके, इट गेट्स वेरी टायरिंग. बट या एज आई सेड, ग्रेजुएशन वालों को आफ्टर जो पीजीडीएम करने आते हैं या फिर मास्टर्स करने आते हैं, उनके लिए इट गेट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड क्वाइट ईजी टू मैनेज इन द इनिशियल डेज. ये छोटा डिफरेंस है एक. बट ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन गाइज, हमेशा ऐसे कॉलेजेस पे अप्लाई करना, ऐसे यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना विच इज DLI अप्रूव्ड, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट गाइज. IRCTC के पोर्टल में भी ये है डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट टाइप इन गूगल DLI Canada, आपको आ जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन. तो DLI वालों में ही अप्लाई करना, बिकॉज DLI मेक श्योर कि आप PG लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो होता है PGWP वो आपको मिले, बिकॉज विदाउट दैट यू वन बी एलिजिबल टू वर्क हियर इन कैनेडा, आपको डायरेक्टली इंडिया वापस जाना पड़ेगा वंस स्टडी गेट्स ओवर. एंड ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, पर्सनली कॉलेजेस में मेल करके भी पूछना कि हाँ आपका कॉलेज तो DLI अप्रूव्ड है बट क्या मुझे PGWP मिलेगा, बिकॉज ऐसे भी कॉलेजेस ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पर DLI अप्रूव तो था बट फिर भी PGWP नहीं मिला एंड बहुत ज्यादा चक्कर पड़ा, मे बी सम स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट डिपोर्टेड बैक टू इंडिया, नॉट डिपोर्टेड बैक लाइक उनको वापस जाना पड़ा बिकॉज उनके पास परमिशन नहीं था टू वर्क हियर इन कैनेडा, एंड डेफिनेटली PR भी नहीं मिला होगा बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनका. सो ये मेक श्योर कर लेना DLI अप्रूव्ड. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई सेड, कि आपका थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है इफ यू कम टू कैनेडा आफ्टर 12th, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट लाइफ जो बाकी लोग कर चुके हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हैं कैनेडा में. That's it. Alright guys, coming to the last and the most important point, that is mindset guys. Kya aap mentally prepared ho to get into this life in the initial days, 12th ke baad, and agar aap Canada aana chahte ho, then are you ready? Is your mindset okay to get that shock? ठीक है, अगर आपका ये थिंकिंग है कि हाँ मेरा लाइफ, मैं दोस्तों को भी देख रहा हूँ, मेरे पड़ोसी भी गए हैं कनाडा, स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रॉम पंजाब विल सी अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स कमिंग टू कनाडा गाइस. ठीक है, दूसरे साइड से भी आते हैं बट मोस्टली पंजाबी आते हैं. सो अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में हो, मतलब उनको देख के आ रहे हो कि हाँ मेरे रिलेटिव का बेटा भी गया है तो ही इज हैविंग एन आईफोन, मैकबुक है, गाड़ी डॉज लेके घूम रहा है कनाडा में, तो बहुत ज्यादा सेट है उनका लाइफ. सो वैसा नहीं है गाइज, बिकॉज नोबडी शोज कि यहाँ पे उनका एक्चुअल रियलिटी, जहाँ से पैसे वो कमा रहे, कौन सा जॉब कर रहे हैं, कौन से वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, कैश जॉब कर रहे हैं या सेंड जॉब कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली स्ट्रगल है वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखता गाइज. सो यहाँ पे लाइफ इज वेरी मच टायरिंग एंड वेरी मच डिफिकल्ट गाइज, बट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, डिफिकल्ट है बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज यहाँ पे लाइक इंडिया में हम लोग के डैडी पापा ने जो काम इंडिया में किया है वो पूरा अपना फाइनेंस एकदम स्क्रैच से शुरू किया है पापा ने, एंड उन्होंने एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया इंडिया में, वही चीज हम लोग यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं गाइस, हम अपने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. सो जो स्ट्रगल हमारे मम्मी डैडी पापा ने किया इंडिया में वो सेम चीज हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं गाइस, बिकॉज ये सेटल होने में, स्क्रैच से शुरू करने में गाइस हमेशा स्ट्रगल है. सो एक्सेप्ट दैट,
एम्ब्रेस दैट स्ट्रगल गाइस, बिकॉज हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म बना के जा रहे हैं एंड ऑल्सो हम लोग भी एंजॉय करेंगे. थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, 5 to 7 years लगता है, बट इंडिया से जल्दी हो जाओगे बिकॉज यहाँ पे बैड पॉलिटिक्स नहीं है एंड यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है. सो 12th वालों के लिए एक मेजर एडवांटेज है गाइस, इफ यू हैविंग अ प्रॉपर माइंड सेट एंड यू कमिंग टू कैनेडा आफ्टर 12th, देन आप बहुत जल्दी सेटल हो जाओगे. 25, 26, 27 के एज तक आप प्रॉपरली सेटल हो जाओगे, मे बी आप यूएस भी चले जाओगे. ठीक है, तो ये एक एज वाला बेनिफिट आ जाता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कैनेडा आफ्टर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया, बिकॉज उनका एज ज्यादा है, वो सेटल भी लेट होंगे. ठीक है, पीआर तो सबको मिल जाएगा बट वो सेटल लेट होंगे. एज इज करेंसी गाइस, एज को आप लाइक यू कैन बाय टाइम, राइट? यू कैन बाय एनीथिंग बट यू कैन बाय टाइम. सो एज को ऑलवेज एम्ब्रेस करो. इसीलिए मैं भी 12th के बाद आया हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेटल क्विक एंड आगे सपने हैं जो मैं यहाँ पर वीडियोज में तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता. आगे आगे वीडियोज में ब्लॉग्स फॉलो करो मेरे, सब कुछ पता चलेगा मैं अपना लाइफ को कैसे क्राफ्ट करूँ, कैसे आर्किटेक्ट करूँ. ऑल राइट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. मैंने हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यूज एंड पर्सपेक्टिव शेयर कर दिए हैं सो दैट यू कैन टेक अ वाइजर डिसीजन फॉर योरसेल्फ. एंड मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. 12th के बाद भी आ सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी आना चाहते हो तो आ सकते हो. इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली योर डिसीजन. यू आर द मैन, यू आर द वुमन हु वांट्स टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. खुद डिसाइड करो. मेरा काम है गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, पर्सपेक्टिव शेयर करना, जो मैंने कर दिया. वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज 50,000 मैंने बोला था आपने करवा दिया. अब 1 lakh एंड सिल्वर प्ले बटन का जर्नी बिगिन हो गया है राइट नाउ. मैं भी ब्लॉग्स और फ्रीक्वेंटली डालूंगा, एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों टाइप के कॉन्टेंट डालूंगा एंड फीडबैक्स देते रहना. बुरा हो अच्छा हो, मैं अपने वीडियोज को इम्प्रूव करूंगा. ऐसा नया गियर भी ले रहा हूँ रिसेंटली, सो ब्लॉग के लाइक कॉन्टेंट क्वालिटी भी बढ़ेगा धीरे धीरे. सो that's it guys, milte hain next video. Until then, stay awesome, stay sexy, love you all and